हेलो लवली पीपल, मैं हूं आपका शेफ अमित वशिष्ठ और आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी गट्टे। हाँ जी, ये गट्टे बहुत ही आसान है बनाने में। ये कोई फाइन डाइन डिश है नहीं, ये डिश तब बनाई जाती थी जब घर में सब्जी नहीं होती थी। तो इसका मतलब अगर सब्जी घर में नहीं है तो जो खाने को मिल जाए वो अच्छा। तो इस गट्टे को बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से बनाते हैं राजस्थानी गट्टे। तो ये गट्टे बनाने के लिए दो पार्ट हैं। एक तो बनाएंगे हम गट्टे जिन्हें हम पहले बनाकर स्टीम करेंगे, फ्राई करेंगे, और दूसरे पार्ट में बनाएंगे इसकी ग्रेवी। पर अलग अलग नहीं, दोनों काम एक साथ चालू रहेंगे। 30 मिनट में आपके सामने गट्टे तैयार हो जाएंगे। अब गट्टे को सॉफ्ट बनाने का एक सीक्रेट है, जो कि है कि इसमें आप अच्छा खासा फैट डालें, यानी कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो हमारे मामा जी के घर में तो ऐसे परात होती है बड़ी सी पीतल की, तो इसीलिए आज मैं ये सारा काम इस मार्बल स्लैब पे कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसका ऑयल भी काफ़ी छूटने लगा है। बस एक फाइनल तड़का जिसकी वजह से ये बहुत ही लाल लाल लगने लगेगी, खूबसूरत लगने लगेगी। तो करते हैं शुरुआत। मेरे पास है ये बेसन, मैं 6-8 चम्मच बेसन ले लेता हूँ। तो ये बेसन हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। मेरे पास ये धनिया है, बस ऐसे ही डाल लेते हैं रफली। इसे थोड़ा पीस लेंगे। थोड़ा जीरा ले लिया मैंने, थोड़ा दरदरा बनाना है इसे हमें। थोड़ी सौंफ ले ली, इसे हम जरा एक बार बस मिक्सी में घुमा लेते हैं। आप चाहें तो इसे हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, पर इस काम को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। बस जी, देखिए जी, ये हो गया। तो देखिए, ये आपके सामने मैं ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ, और इसे मैं डाल दूँगा इस गट्टे में। ये लीजिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी अजवाइन। अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है गट्टे में, इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में थोड़ा नमक, बस हाथ से हम इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे इसमें। ये लीजिए, आप इसमें डालें घी। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर इसमें मैं डालूँगा घी। साथ में मेरे घर में डालते हैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, पर इस मस्टर्ड ऑयल की वजह से जो खुशबू आएगी वो किसी और गट्टे में नहीं आएगी। अब मैं इसे थोड़ा गूंद लेता हूँ। पहले गूंदने का काम सारा आपको इस फैट के साथ ही करना है। तो ये फैट मिलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा दही। इसको बाकी गूंदने के लिए पानी वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम इसमें डालेंगे दही। तो हम इसे ऐसे एक पतले सिलेंडर में या पतली शेप में रोल कर लेंगे। मैं इसके दो भाग कर रहा हूँ, पहले हम इस भाग को रोल कर लेते हैं। तो देखिए, आपको इस गट्टे को इससे पतला नहीं बनाना है। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है पानी, और मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि गट्टे में भी काफ़ी नमक है। अब यह पानी जब बॉयल पर आ जाएगा तो हम इसे मंदा कर ये गट्टे काट कर इसमें बॉईल करेंगे। तो देखिए, ये दो पीस हमारे तैयार हो गए हैं, हम इन्हें अब ज़रा बीच से काट लेंगे। काट हम इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारा सॉस पैन इतना बड़ा नहीं है। तो आपका सॉस पैन जितना बड़ा हो आप उस हिसाब से इन्हें काट सकते हैं। अब ये गट्टे हम इसमें डालना शुरू करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 5-6 मिनट तक पकने देंगे। अब बना लेते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, एक तो दही जो यहाँ मेरे पास है, दही की ग्रेवी बनेगी, और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी प्याज। तो प्याज को मैं सिर्फ ग्रेट कर रहा हूँ, कोई मिक्सी मिक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मिक्सी होती भी कहाँ थी वैसे भी। देखिए, प्याज गई है पिस, हम सारी प्याज को नीचे निकाल लेंगे। बस हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। और इसी प्लेट में हम कर लेते हैं टमाटर भी ग्रेट। ये देखिए, ग्रेटर से घिसने की एक और ख़ास बात कि छिलका बिल्कुल ग्रेवी में नहीं जाता, ये पूरा छिलका मेरे हाथ में रह गया है और सिर्फ पल्प आपका ग्रेवी में जाएगा। और एक बार ज़रा गट्टे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे ज़रा उठाकर देखते हैं, इसके ऊपर ये बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अभी हम 2 मिनट का इंतज़ार और करते हैं। अब ये गट्टे हमारे तैयार हो गए होंगे, मैं गैस को बिल्कुल ऑफ़ कर रहा हूँ। ये देखिए, तैर कर सब ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ये गट्टे अब बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इस प्लेट में डाल रहा हूँ थोड़ा सरसों का तेल, बस हल्का सा,
और ये गट्टे हम इस पर निकाल लेंगे, बस बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि ये चिपके ना। ये गट्टे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये गट्टे हम ज़रा 10 मिनट तक थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसे स्लाइस करेंगे और फिर इमिडिएटली इसे फ्राई करेंगे। अब ज़रा ग्रेवी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। गट्टे ठंडे हो रहे हैं वहाँ पर ये ग्रेवी पकने में ज़रा 5-10 मिनट लग जाएंगे। कढ़ाई मैंने रख ली है फटाक से। इसमें मैं डाल रहा हूँ घी और तेल। तो मैं दो पार्ट में घी डाल रहा हूँ, पहले मैंने गट्टे में डाल दिया, अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ कढ़ाई में। और इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग। इसमें अब जल्दी से डाल देंगे ये प्याज। प्याज का पानी भी है, प्याज भी है। तो जल्दी से चलाना शुरू करते हैं। साथ में डाल देते हैं थोड़ा नमक। गट्टे की ग्रेवी दही से और थोड़े से बेसन से बनती है। बेसन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये बर्तन हम यहाँ पे ले आते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ कोरिएंडर पाउडर, साथ में थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें साथ में ही मैं डाल देता हूँ थोड़ा गरम मसाला। अब हम ये सारे के सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और मैं इसमें डालूँगा बिल्कुल थोड़ा सा बेसन। उसकी वजह से क्या होगा कि दही अच्छे से बाइंड हो जाएगा और आपकी ग्रेवी कभी भी फटेगी नहीं। बस इतना सा, एक स्पून ही इसे हम मिला लेते हैं। तो ये प्याज हमारी पकने लगी है, हम इसमें डाल देते हैं ये अदरक और लहसुन और इसे भी थोड़ी देर चला लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये टमाटर। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम सीधे टमाटर ही डाल देते हैं। देखिए टमाटर डालते ही ये जितना भी कुछ चिपक रहा था सब निकल कर बाहर आने लगा है। मैं इस ग्रेवी में अब डाल रहा हूँ थोड़ा गर्म पानी। तो ये टमाटर पकने में लगेंगे एक दो मिनट, मैं इसी बीच में इसमें थोड़ा पानी डाल लेता हूँ। और मेरे पास है ये मम्मी का फेवरेट यंत्र, इससे पिटाई भी कर देती थी कभी कभी, इससे मैं इसे ऐसे फेंट लेता हूँ। तो इसी बीच में हम ज़रा तेल भी ऑन कर लेते हैं। अब गट्टे हमारे ठंडे हो गए हैं, हमें उन्हें फ्राई भी करना है। इसे एक शार्प चाकू की हेल्प से ऐसे इतना मोटा काट लेते हैं। ये देखिए ये हमारे गट्टे अभी काफ़ी हल्के लग रहे हैं, बिल्कुल हॉलो हैं। इसके अंदर काफ़ी ग्रेवी चली जाएगी एक बार जब हम इसे फ्राई कर देंगे, तो आपके गट्टे कुछ ऐसे बनने चाहिए। अब बारी आती है दही डालने की, और दही डालते समय हमेशा गैस को आप ऑफ कर देंगे। मैंने भी गैस को ऑफ कर दिया है। तो ये दही गया इसमें, सब कुछ हमने पोंच लिया है, कुछ वेस्ट नहीं करने वाले। और अब हम गैस को ऑन करेंगे बिल्कुल मंदे पे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये ग्रेवी स्प्लिट ना हो। तो एक बार बहुत ज़रूरी है कि आप इस ग्रेवी को लगातार चलाते रहें जब तक इसका टेम्परेचर वापस आ जाए। तो एक बार जब ये बॉईल करने लगेगी तब हम इसे छोड़ सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल ज़रूरी है कि आप इसे लगातार चलाते रहें। और जल्दी से फ्राई कर लेते हैं ये गट्टे। इसे मैं इस परफोरेटेड स्पून पे रख रहा हूँ ऐसे, पर ये कढ़ाई का टेम्परेचर इस समय होना चाहिए तेज़, और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, और ये फ्राई होने के बाद हो जाएंगे बिल्कुल ही हल्के, जिससे कि इसमें काफ़ी सारी ग्रेवी सोख कर जाएगी। तो लीजिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये गट्टे निकाल लेंगे इस प्लेट में जिसमें मैंने ये पेपर टॉवल लगा के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी ये ग्रेवी रेडी हो गई है। ये देखिए अच्छी खासी थिक हो गई है, पर अब हम इसमें डालेंगे पानी। और ये वाला पानी जो हमने बचा के रखा था जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए हैं, वही पानी हम इसमें डालेंगे। तो लीजिए जी हमारी बेस ग्रेवी अभी तैयार हो गई है, ये थोड़ी पतली है। अब हम ये गट्टे इसमें डालना शुरू करते हैं और देखते हैं अगर और पानी की आवश्यकता है तो। अब ये गट्टे जा रहे हैं ग्रेवी में, तो हम थोड़ा ग्रेवी को हिला के देख लेते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा और पानी इसमें चाहिए, तो हम ये पानी इसमें और डाल देंगे। ये गट्टे भी काफ़ी ग्रेवी सोख करेंगे, और ग्रेवी एक्चुअली थोड़ी पतली ही होनी चाहिए। अब ये गट्टे 5 मिनट के लिए इस ग्रेवी में सिमर होंगे, बस लास्ट के 5 मिनट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे गट्टे इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से सोख कर लेंगे और काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाएंगे। ऑलराइट पीपल, सो ये ग्रेवी हो गई है तैयार। बस अब हम थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेते हैं, और ये धनिया हम इस ग्रेवी में ऐसे मिला देंगे। ये देखिए ये ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। अगर मेरे घर में सब होती तो ये ग्रेवी ऐसी ही होती। अगर आपको ये होटल जैसी बनानी है तो आप इसमें दही की और बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो धनिया हमने डाल दिया है, बस एक फाइनल तड़का, जिसकी वजह से ये बहुत ही लाल लाल लगने लगेगी, खूबसूरत लगने लगेगी। मैंने गैस को कर दिया है ऑन,
मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा और घी, साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये बाकी बचा हुआ मसाला जो कि है जीरा, धनिया और सौंफ। अभी घी का टेम्परेचर कम ही है तो इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा मसाला। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर जो कि है कश्मीरी मिर्च। इस समय हम गैस को ऑफ कर देंगे या इसको अलग ले जाएंगे जिससे कि हमारी मिर्ची ना जले और ये तड़का सीधे जाएगा अब हमारे ग्रेवी के ऊपर। तो लीजिए अब आइए असली रौनक हमारी गट्टा करी में। इसे कहते हैं असली राजस्थानी गट्टा करी। तो दोस्तों चाहे घर की रेसिपी हो या होटल की रेसिपी, अच्छा खाना तो अच्छा ही होता है, उसे कौन छुपा सकता है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, स्वाद आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाकर देखेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, टेक केयर।